जी सर, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लास बरेली में। और जैसा आपको पता है, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहा था। आज हम गणित के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको हम तीन पार्ट्स में लेने वाले हैं। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, और टाइम महत्वपूर्ण होने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स का ध्यान रखना होता है। और ट्रिक्स कैसे कैसे हैं, विभाजिता में मैं सारी ट्रिक्स को आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय टू, यानी दो से विभाजिता। हम किन किन संख्याओं को दो से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, किन किन संख्याओं को दो से पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते हैं, सारा डिटेल में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप समझिए क्या है कि बे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक, बे सभी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 होता है, तो वे संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चाहे वो दो अंकों की संख्या हो, चाहे वो तीन अंकों की संख्या हो, चाहे वो चार अंकों की संख्या हो, चाहे वो पांच अंकों की संख्या हो, कितनी भी अंकों की संख्या हो, यदि उनमें इकाई के अंत में इनमें से कुछ भी होता है तो सारी संख्या हमारी दो से विभाजित हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई संख्या हमारी है 10, तो 10 हमारा क्या है, जिसमें इकाई का अंक है 0, तो 0 हमारा दो से विभाजित है, मतलब दो से विभाजिता के नियम में आता है। तो ये 10 हमारी क्या है, ये हमारी 10 से दो से विभाजित हो जाएगी। सपोज मान लीजिए 12 है, 12 है, 18 है, 28 है, 124 है, 986 है, 784 है, 3456 है, 79860 है, 9898980 है। कोई भी हम बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी हम छोटी से छोटी संख्या ले लें जिनमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 8, 4, 6 इस तरीके से होता है, तो वो सारी संख्याएं हमारी दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो ये सभी संख्याओं में हमारे में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी है, तो ये सभी संख्याएं हमारी दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सपोज मान लीजिए हमारे पास 21 हमने ले लिया, तो 21 में हम देखते हैं कि इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो 1 हमारा दो से विभाजित नहीं होता, यानी 21 हमारा दो से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता है। हम कोई संख्या और ले लेते हैं जैसे कि 5, 6, 7, तो ये भी संख्या में हमारे इकाई का कितना है, 7, जो हमारे दो की विभाजिता में नहीं आते हैं, इसलिए हमारी ये संख्या भी दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारी दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसी तरीके से हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी तीन से विभाजिता के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो तीन से विभाजिता के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है कि वे संख्याएं, यानी वे सभी संख्याएं जिनमें सभी अंकों को जोड़ने पर, जिनमें सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वे सभी संख्याएं भी तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। फिर से एक बार कि ऐसी संख्याएं जिनमें सभी संख्याओं का योग करने पर यदि उनका योग तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या भी हमारी तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और तीन से यदि विभाजित नहीं होता है, तो वो पूरी संख्या हमारी तीन से विभाजित नहीं होगी। जैसे हम बात करते हैं कुछ नंबर्स लेते हैं, जैसे कि हमारा कितना है 45 है, ठीक है, 45 के बाद हम ले लेते हैं 93 है आपका, 432 है, ठीक है, 8649 है, हम ले सकते हैं 94866 है, फिर हम ले सकते हैं 7895637 है। तो इस तरीके से चाहे दो अंकों की संख्या हो, चाहे तीन अंकों की संख्या हो, चाहे चार अंकों की संख्या हो, चाहे पांच अंकों की संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो वो सभी संख्याएं हमारी तीन से विभाजित हो जाएंगी यदि उन सभी संख्याओं के अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए सबसे पहले हमारा क्या, 4 + 5 = हमारा 9 होता है, और 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो बड़ी आसानी से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आ जाता है। इसी तरीके से हमारा 9 और 3 है, हम 9 और 3 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा 12 आता है, और 12 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 4, तो ये भी हमारी पूर्णतः विभाजित है। इसी तरीके से हम 4, 3, 2 अगर लेते हैं तो 4 + 3 + 2 इनको यदि हम जोड़ते हैं तो 4, 3, 7 और 2, 9, और 9 भी एक ऐसी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसके बाद बात करते हैं 8, 6, 4, 9 की, तो इनको यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 8, 6, 14, ठीक है, 14 और 4, 18, 18 और 9, 27, तो 27 भी हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी 3 के पहाड़े में 27 भी आता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं 9
प्लस फोर प्लस एट प्लस सिक्स और प्लस सिक्स, इन सबको यदि हम जोड़ते तो इनका एड आता है 33, और 33 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी 33 यानी 11 3 33 होता है, तो ये भी हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 और प्लस 7, इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा एड आता है 45, और 45 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो भी आसानी से डिवाइड हो जाता है। कैसे होता है, डिवाइड पर अगर 3 करते हैं तो 3 एकम 3 होता है और 3 पंजे 15, यानी 15 के पहाड़े में 45 हमारा आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा 2 का और 3 का टेस्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अवश्य बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बराबर में बेल आइकन हो तो उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।